नमस्कार, आज जिक्र करते हैं कि जो महाराणा प्रताप ने अकबर को पत्र लिखा था कि नहीं लिखा था, इससे संबंधित एक कहानी भी आती है जो बड़ा गीत फेमस हुआ था, पातल और पीतल। सबसे पहले तो हम उस सिचुएशन का जिक्र करते हैं। कहते हैं कि जब महाराणा के हाथों से लगभग मेवाड़ निकल गया, कुंभलगढ़ भी उनके हाथ से चला गया था, चित्तौड़ पहले से ही चला गया था उनके हाथ से, जब वो पहाड़ियों के अंदर घूम रहे थे, उस समय एक ऐसी सिचुएशन आई कि उन्होंने अकबर को पत्र लिखा। तो लिखा कि नहीं लिखा, इसका जिक्र तो लास्ट में करेंगे, लेकिन उससे पहले एक कविता के माध्यम से, क्योंकि पातल और पीतल जो कविता सेठिया जी ने लिखा, उसके माध्यम से उन्होंने कविता के माध्यम से इस चीज को पेश किया। सबसे पहले तो उस कविता को सुनते हैं। गाना मुझे नहीं आता, तो कितनी अच्छी बात है, गाना नहीं आता, मैं नहीं गा रहा हूं, तो उस कविता को मैं बोल के आपको सुनाता हूं, फिर लास्ट में चर्चा करते हैं कि क्या महाराणा ने पत्र लिखा था कि नहीं। हरे घासरी रोटी जद बन बिलावड़ो, ले भाग्यो राणा रो सोयो दुख जाग्यो, हूँ लड़्यो घनो हूँ सयो घनो, हूँ मेवाड़ी मान बचा बनने, हूँ पाच नहीं राखी रण में बैरा रो खून बहा बनने, जद याद करू हल्दी घाटी में, नैना सु रगत उतरा आवे, सुख दुखरो साथी चेतकड़ो, हूँ सूती सी हुक जगा जावे, पण आज बिलक तो देखू हूँ जद राजकंवर ने रोटी ने, हूँ छात्र धर्म ने भूलू भूलू हिंदवानी चोटी ने, आ सोच हुई दो टूक तड़क राणा री भीम वज्र छाती, आंख्या में आंसू भर बोलिया हूँ अकबर ने लिख्यू पाती। और जैसे ही अकबर के पास पत्र पहुंचा, राणा रो कागज बांच हुयो, अकबर रो सपनो सो साचो, पण नैन करया विश्वास नहीं, फिर बांच बांच नहीं फिर बांचो, यानी विश्वास नहीं है उसे, दो तीन बार प्रूफ रीडिंग की उसने। अकबर के हाथ में पत्र, अकबर सोच रहा है कि आज हिमालय पिंगल गयो, के आज हिमालय पिंगल गयो, के आज होयो सूरज शीतल, के आज शेष रो सिर डोल्यो, आ सोच सम्राट होयो विकल, बस दूत इशारो पाता ही पीथल ने, तुरंत बुलावण ने, तुरंत ही पृथ्वीराज राठौड़ जो अकबर के दरबार में रहते थे, बीकानेर थे, अकबर के दरबार में रहते थे लेकिन महाराणा प्रताप के फैन थे, अकबर ने तुरंत कहा कि जाओ पीथल को बुला के लाओ, वीर बांकुले पीथल ने, रजपूती गौरव भारे हो, वो छात्र धर्म रो ने भी हो, वो राणा रो प्रेम पुजारी हो, आ बात बाद से जाने हो, अब बाद बाद से आ जाने हो, घावा पर लून लगावण ने, पीथल ने तुरंत बुलायो हो, राणा री हार बचावण ने। अकबर कह रहा है मैं बांध लियो है पीथल, मैं बांध लियो है पीथल, सुन पिंजरा में जंगली शेर पकड़े, यो देख हाथ रो कागज तू देखा फिर सी किया अकड़, अब अकड़ कैसे करा, हूं आज पाद स्या धरती रो, हूं आज पाद स्या धरती रो, मेवाड़ी पाग पगा में है, अब बता मने किन रजवट रे, रजपूती खून रगा में है, अर मर डूब चुड़ू भर पानी में, मर डूब चुड़ू भर पानी में, बस झूठा ही गाल बजावो हो, पड़ टूट गयो है बी राणा रो, तू भाट बड़ो पिड़दावे हो। अकबर ने जैसे ही पीथल को कागज दिया, पीथल ने कागज पढ़ा, साथ में मेवाड़ का राजा, जद पीथल कागज ने देखी, राणा री सागे सेनानी, नीचे सू धरती खिसक गई, आंख्या में भर आयो पानी, पर फेर समण तत्काल बोलिया, आ बात सपा ही झूठी है, राणा री पाग सदा ऊंची, राणा री आन अनूठी है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये राणा ने लिखा है पत्र, मुझे आदेश दिया जाए, मैं इस पत्र की सत्यता की जांच करना चाहता हूं, मैं हुक्म हुए तो लिख भेजू, हुक्म होवे तो लिख भेजू, राणा ने कागज रे खातर, ले पूछ भला ही पीथल तू, आ बात सही बोल्यो अकबर। अब पीथल ने पाथल को कुछ ऐसी बातें लिखी जिससे महाराणा का स्वाभिमान वापस जागा, तो मैं आज सुनी है ना हरियो साड़ा रे सागे सोवे लो, मैं आज सुनी है सूरज रो बादल री ओट्या हुए लो, मैं आज सुनी है हाथीड़ो कुकर री जूना जीवे लो, मैं आज सुनी है थका कसम अब रांड हुए ली रजपूती, मैं आज सुनी है म्याना में अब तलवारा रह वैली सूखी, मारो हिवड़ो कांपे है मुछाड़ी मोड़ मरोड़ गई, थे लिख भेजो राणा जी आ बात कठा तक है साची। पीथल रा आखर पड़ता ही, पीथल रा आखर पड़ता ही, राणा री आंख्या लाल हुई, धिक्कार मने में कायर हूं, नहर री इक दक्काल हुई, हूँ भूख मरू हूँ प्यास मरू, हूँ भूख मरू हूँ प्यास मरू, मेवाड़ धरा आजाद रवे हूँ, घोर उजाड़ा में भटकू, पर मन में म्यारी प्यास, मन में मारी प्यास रवे हूँ, रजपूत नरो जायो हूँ, रजपूती करज चुकाऊ ला, उसी से पड़े पर पाग नहीं दिल्ली रो, मान चुकाऊ ला, पीथल रे खिमता बादल री, जो रोज सके सूर उगाड़ी ने, सिंगारी हाथल से लेवे बाकूक मिली कद साड़ी ने, धरती रो पानी पीवे, धरती रो पानी पीवे, इसी चातकरी चूच बनी कोनी, कुकरी जूना जीवे, इसी हाथीरी बात सुनी कोनी, आ हाथा में तलवार थका कुन रांड कवे रजपूती, म्याना रे बदले बैरारी छाता में रेवे ली सूती, मेवाड़ धधक तो अंगारो, मेवाड़ धधक तो अंगारो, आंध्या में चम चम चमके लो, खड़केरी उठती ताना पर, पग पग पर खांडो खड़के लो, राखो थे मूछा एठोड़ी, राखो थे मूछा एठोड़ी, लोहिरी नदी बहा दूला हूँ, अथक लड़ूला अकबर छू, उजड़ो मेवाड़ बसा दूला, जद राणा रो संदेश गयो, पीथल री छाती दूनी ही, हिंदवाणो सूर चमके हो, अकबर री दुनिया सुनी ही, अकबर री दुनिया सुनी।
अब ये जो मैंने बताई है कविता, ये पाथल और पिथल में सेठिया जी ने लिखा लिखा था जो सुजानगढ़ के थे। और भी बहुत सारी रचना लिखी थी उन्होंने, जैसे धरती दोरारी है, मिंजर है, कुंकू है, आज हिमालय बोल उठा, इस तरीके की और भी बहुत सारी लिखी थी। तो ये जो बात है, ये कहते हैं कि टोड ने सबसे पहले इसका जिक्र किया था। टोड ने भी ये कहानी राजपुताने में बड़ी प्रचलित थी। टोड ने ये कहानी कहां से उठाई? बीकानेर की लोक कथा से उठाई। यानी बीकानेर से लोक कथा से उठा के टोड ने बताया कि महाराणा की ओर से पत्र लिखा गया, वहां पृथ्वीराज राठौड़ ने वापस उनके मध्य का जिक्र करते हैं। जबकि और किसी भी समकालीन इतिहासकार ने इस बात का जिक्र नहीं किया है, कहीं भी जिक्र नहीं हुआ है। गोपीनाथ शर्मा भी इसको नहीं मानते, कहते हैं कि इस प्रकार का कोई पत्र नहीं लिखा गया। अगर महाराणा की ओर से अकबर को कोई पत्र लिखा होता तो समकालीन कोई ना कोई इतिहासकार जरूर जिक्र करता। जैसे अकबर के दरबार में भी दो इतिहासकार थे, एक बदायूनी था, एक अबुल फजल था, और बड़े ही बड़े वाले चमचे थे वो। अगर महाराणा की ओर से उस समय अगर कोई पत्र लिखा जाता तो वो दोनों अपनी पुस्तक में इस चीज का जरूर जिक्र करते। जिक्र ही नहीं, इस चीज को वो बढ़ा चढ़ा के पेश करते। तो उनकी किताबों में और टोड के अलावा किसी समकालीन इतिहासकार ने इसका जिक्र नहीं किया। इस आधार पर इसे संदेहपूर्ण मानते हैं। बाकी इतिहासकार कोई नहीं मानता कि महाराणा की ओर से अकबर को किसी प्रकार का कोई पत्र लिखा गया था। ओके, थैंक यू। कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताइए। ओके, थैंक यू।